प्रमोद जी, स्वागत है आपका। प्रमोद। हाँ जी बताएं सर, सवाल कीजिए। मैडम जी, ये हमारी घरवाली के कई सालों से घुटनों में दर्द होता है। उम्र कितनी है उनकी? 60 साल। कोई नुस्खा हकीम साहब का अपनाया है? अभी तो नहीं अपनाया मैडम। ठीक है सर। ये जो दर्द है और ये जो उम्र है आपकी पत्नी की, आपकी या मेरी, इससे ये दर्द का रिश्ता हो ही जाता है। तो एक तो इलाज वो है जो आप करते होंगे और कर रहे होंगे, जब से भी दर्द होगा। और एक इलाज मेरे अनुभव में ऐसा है कि अगर वो असली दवा आपने ले ली, इसमें नकली भी बहुत मिलने लगी, तो वाकई ये विश्व का सबसे अच्छा रॉ मटेरियल, कच्ची दवा एक गोंद के रूप में है, जिसे हम गोंद स्याह के नाम से जानते हैं, गोंद स्याह या काला गोंद। लेकिन बेशुमार लोग नकली बेच रहे हैं। ये ऐसा गोंद है कि अगर किसी को असली मिल जाए और आधा ग्राम सुबह और आधा ग्राम शाम खाने के पश्चात दूध या पानी से लिया जाए, तो किसी भी किस्म का दर्द, चाहे वो घुटनों का हो, चाहे कमर का हो, चाहे पूरी बॉडी का हो, कोहनी का हो, हाथों का हो, मोंडों का हो, कमर का हो, डिस्क का हो, मैंने अपने अनुभव, अपने जीवन में इससे बेहतर कोई दवा नहीं देखी, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है। और गौन सिया इसको कहा जाता है। असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। आधा आधा ग्राम 2 बार लें और इससे आपको फायदा मुमकिन है। जी, गीता सोनी जी हैं। जी 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 मैडम, नमस्ते नमस्ते। जी नमस्कार मैम, जी जी हमें हकीम साहब से बात कराती थी। बात कर लीजिए। जी जी स्वागत है आपका। जी सर, नमस्ते। जय हिंद। जी हमने सर वो मंगाया था, कौन सी या मंगाया था, मेरे कंधे में दर्द होता है और कलाई में दर्द होता है और मेरा हाथ जैसे हाथ कांपता है, हाथ कांपता है, जैसे कोई चीज में पकड़ते हैं, चम्मच पकड़ते हैं या पेन से लिखते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मेरा हल्का हल्का हाथ कांपता है। तो गोंसिया हमने मंगाया था, उसके साथ में हमें जैतून का सिरका आज हमको मिला है, आज आ गया। जी ठीक है। गोंसिया तो हम कम से कम 5 हफ्ते भर से खा रहे हैं, सुबह शाम आधा आधा ग्राम। जी तो अब ये जैतून का सिरका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, और दूसरी बात ये, क्या ये दोनों चीज, गोंसिया और जैतून का सिरका, हम अपने हस्बैंड को भी दे सकते हैं जिनकी उम्र 55 साल है लगभग? गौंसिया ऐसा ही है कि जो ये 8 दिन में, 6 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, ये जो मर्ज की शिद्दत है, यानी जो असहनीय दर्द है, उसको कम करता है और वो आपका कम होने लगा। आपको मुबारक कि आप बहुत जल्द पूरी तरह अच्छे होने वाले हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ है तो कोई बात नहीं। बस आपसे यही अनुरोध है कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और बहुत मेहनत ना करें। जैसे झाड़ू पोंछा आप किसी और से करा लें, जब तक इलाज चल रहा है आप ना करें, और खड़े होकर किचन में सब काम कर सकते हैं, लेकिन मेहनत का ज़्यादा कोई काम ना करें। तो आप तो बहुत जल्दी अच्छे हो सकते हैं। और ये जो सिरका है, ये 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लिया जा सकता है, और ये पानी में डालकर इस्तेमाल होता है, 2-2 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिलाकर। और इससे भी आप ये गौंसिया खा सकते हैं, इसके पानी से पी सकते हैं। और ज़रूर अगर आपके पति देव को इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर दे सकते हैं, उतनी खुराक जितनी आप ले रहे हैं, और 2 टाइम खाने के बाद दोनों चीज़ें भी अगर ज़रूरत पड़े तो दे सकते हैं। ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा है मेरे अनुभव में, कि ये आपको असली पहुंच गई और आपको फ़ायदा शुरू हो गया। बहुत जल्द आप पूरी तरह अच्छे हो सकते हैं।